नमस्कार, मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM श्री राधेश्याम आर मुरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। आज हम BCOM पार्ट 3rd ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर 2nd बिजनेस बजटिंग व्यवसायिक बजटन में यूनिट संख्या 3rd में मटेरियल वेरिएंस का अध्ययन करेंगे, क्योंकि यूनिट संख्या 3rd का ये आपका अंतिम चैप्टर है जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। इसमें एक प्रश्न आपके प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आता है, जिसमें मैंने आपको पूर्व क्लास में बताया था कि वेरिएंस 3 प्रकार के होते हैं, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस और सेल्स वेरिएंस। यहाँ पर आपके एक और वेरिएंस होता है ओवरहेड वेरिएंस, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो इसलिए हमें 3 प्रकार के वेरिएंस का ही अध्ययन करना है। तीनों वेरिएंस में मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस और सेल्स वेरिएंस से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे मटेरियल वेरिएंसेस का। मटेरियल वेरिएंस से संबंधित हमने गत वीडियो में इनके विभिन्न प्रकार के सूत्रों का अपने अध्ययन किया था, बिल्कुल संक्षिप्त तरीके से। आज इसी से संबंधित इम्पोर्टेंट जो अपना क्वेश्चन है मटेरियल वेरिएंस से संबंधित, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके कई बार एग्ज़ाम में आपको आ चुका है। अगर आपने ये प्रश्न आसानी से कर लिया तो इससे संबंधित सभी प्रश्न आप सही तरीके से आसानी से इनका सॉल्यूशन आप कर सकेंगे। तो अपना एक क्वेश्चन है जो कि अनसोल्ड क्वेश्चन है आपके बुक्स का, बिजनेस बजटिंग का 9.8 का। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस। विभिन्न जो नीचे दे रखी तालिका के अनुसार आपको कैलकुलेट करनी है मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस में भी विभिन्न प्रकार के वेरिएंस हैं, जिसमें अपने को पहले ज्ञात करना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल रेट ऑफ यूजेज वेरिएंस, जिसमें विभिन्न प्रकार के विचरण के द्वारा इनको अपने कैलकुलेट करना है। अपने क्वेश्चन में दे रखा है मटेरियल 3 कैटेगरी के, A, B, C। ए कैटेगरी में अपना स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है ए में 4, स्टैंडर्ड क्वांटिटी बी में 2, स्टैंडर्ड क्वांटिटी सी में 2। स्टैंडर्ड प्राइस मटेरियल ए में 2 दे रखी है, स्टैंडर्ड प्राइस मटेरियल बी में 2 दे रखी है और मटेरियल स्टैंडर्ड प्राइस मटेरियल सी में 4। टोटल कॉस्ट यहाँ पर कॉस्ट दे रखी है 4, 4, 8। इसी प्रकार एक्चुअल कॉस्ट में एक्चुअल क्वांटिटी 2 दे रखी है, ए में बी में एक्चुअल क्वांटिटी 1 और सी में एक्चुअल क्वांटिटी 3 दे रखी है। ये अपनी प्राइस है, एक्चुअल प्राइस है जो ए बी सी इस प्रकार से है, ये अपनी कॉस्ट है। तो इसी प्रकार इसके जो अपने को गणना करनी है विभिन्न प्रकार के वेरिएंस की, जिसमें अपन प्रथम गणना करेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जिसे हम शॉर्ट में लिखेंगे। मटेरियल प्राइस वेरिएंस को जब हम ज्ञात करेंगे तो इसके मुख्यतया इसके सूत्रों के द्वारा हमने अध्ययन करेंगे, जिसमें स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी के आधार पे इसको ज्ञात करेंगे। इसका एक और भी सूत्र है जो कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी इसमें ज्ञात कर सकते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ज्ञात करेंगे अपन, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। इसके बाद में हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालेंगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में टोटल जो अपना वेरिएंस है उसको अपन काउंट करके कैलकुलेशन करेंगे या अंत में करेंगे। पहले मटेरियल प्राइस वेरिएंस की गणना करेंगे। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस में स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पर दे रखी है, ए सामग्री का निकालेंगे पहले मटेरियल ए, मटेरियल बी और मटेरियल सी, तीनों का यहीं कैलकुलेट कर लेंगे। एक अगर आप कर सकते हो आसानी से तो बी सी का भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस में स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पर अपनी क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस मटेरियल 1 है इसके अंतर्गत, तो स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पर 1 आ गई। एक्चुअल प्राइस आ गई अपनी, एक्चुअल प्राइस 3.5।
इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी की हम बात करें तो यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी है 2। तो इस प्रकार 5 अपने एडवर्स में आ गया, तो ये अपना मटेरियल प्राइस वेरिएंस हो गया। इसी प्रकार से बी का ज्ञात कर लेंगे। बी में अपना स्टैंडर्ड प्राइस दे रखी है, स्टैंडर्ड प्राइस 2 माइनस एक्चुअल प्राइस 2 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी दे रखी है ए में 2। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दे रखी है? एक्चुअल क्वांटिटी 2। तो इस प्रकार अपना ये वेरिएंस आ जाएगा बी सेक्शन का, नहीं बी का दे रखा 1, सॉरी, कि अपने को बी निकालना है तो बी में अपनी एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पर 1 है, तो यह आ जाएगी नील। इसी प्रकार सी का कैलकुलेट कर लेंगे। स्टैंडर्ड प्राइस 4, एक्चुअल प्राइस 3 इंटू 3, तो यह आएगा 3 फेरेबल, तो अपनी टोटल यह आ जाएगी 2 एडवर्स में आ जाएगी। तो ये तो आपने क्या की, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। दूसरी वेरिएंस की हम बात करें, दूसरा वेरिएंस हम निकालेंगे मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। मटेरियल ए का कैलकुलेट करेंगे, इसी प्रकार मटेरियल बी का, इसी प्रकार मटेरियल सी का। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पर मटेरियल ए में 4 है, तो 4 एक्चुअल क्वांटिटी 2 इंटू 1, तो ये 2 अपने फेरेबल में हो गया। यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल बी में 2 है, एक्चुअल क्वांटिटी 1 है इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 2 है, तो ये भी दोनों 2F फेरेबल में हो गए। इसी प्रकार मटेरियल सी की बात करें तो मटेरियल सी में स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पर 2 है, तो 2 माइनस 3 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 4, तो ये अपनी ये 4। तो इस प्रकार ये एडवर्स में आ जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगी, अपनी नील वेरिएंस आ जाएगा। मतलब यहाँ पर फर्म को न लाभ न हानि की स्थिति दर्शाती है। दो प्रकार के वेरिएंस तो ये हो गए। तीसरे हम वेरिएंस की बात करें मटेरियल मिक्स वेरिएंस, MMV। MMV कैसे निकालेंगे? रिवर्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। RSQ जब हम ज्ञात करते हैं तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। RSQ बराबर होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी बटे टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। तो यहाँ पर ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 4, टोटल 8 इंटू 6 बराबर 3 kg। तो यहाँ पर ए मटेरियल की आ जाएगी 3 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 2, तो 1 फेरेबल में आ जाएगी। इसी प्रकार से बी की ज्ञात करेंगे। बी की हम ज्ञात करें RSQ, बी बराबर स्टैंडर्ड क्वांटिटी 4 इंटू डिवाइड बाई 8, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू 6 बराबर 1.5 kg। तो ये अपनी क्या आ जाएगी, 1.5, बी में 1.5 माइनस 1 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 2, तो 1 फेरेबल ये हो जाएगा। इसी प्रकार सी की कैलकुलेट कर लेंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 4, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 8 इंटू 6, ये 1.5 kg आ गया। तो ये सी की RSQ आ जाएगी। सी के भी इस प्रकार से निकाल लेंगे अपन, 1.5 इंटू 3 इंटू 4 बराबर 6A, तो ये 4A ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम वेरिएंस विभिन्न प्रकार से इस प्रकार से जाते हैं। अब बात करें यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड प्राइस। जैसे मैंने आपको बताया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हमें निकालना होगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस
एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट यहाँ पर हमने 16 माइनस 18 तो ये दो एडवर्स में आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के वेरिएंस की कैलकुलेट करेंगे, तो इनका हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, उसको वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की हम कैलकुलेशन करें वेरीफाई की, एमसीवी किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो एमसीवी होती है मटेरियल प्राइस वेरिएंस पर मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस यहाँ पर है दो एडवर्स में था दो ही, ये तो नील बटा नील आ गया, 2A + 2A यहाँ पर क्या जाएगी नील, तो इसका मतलब अपना ये आंसर सही है। इसी प्रकार मटेरियल यूजेज वेरिएंस में वेरिफिकेशन करें, मटेरियल यूजेज वेरिएंस की हम जब चर्चा करेंगे तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस में मटेरियल मिक्स वेरिएंस MRUV ज्ञात करेंगे, मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल MURV करेंगे, तो इनको दोनों को जोड़ने पर अपने पास आ जाएगा ये नील प्लस 4A, नील प्लस 4A, तो ये अपना 4A अपने फेवर में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, तो ये वेरिफिकेशन के लिए भी सही है, क्योंकि यहाँ पर हम मटेरियल जब कॉस्ट वेरिएंस जब निकाले तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में एडवर्स में थी। तो इस प्रकार विभिन्न वेरिएंसों को इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मटेरियल लेबर वेरिएंस के बारे में, कि मटेरियल लेबर वेरिएंस को किस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उनके सूत्र वाइज हम विभिन्न सूत्रों के माध्यम से हम ज्ञात करेंगे, विभिन्न सूत्रों के माध्यम से हम देखेंगे कि मटेरियल लेबर वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। बस उनमें एकमात्र ये संशोधन करना होगा, अगर अपने को मटेरियल प्राइस वेरिएंस ज्ञात करना है तो मटेरियल की जगह L लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तीन वेरिएंस मैंने आपको जैसे बताया, मटेरियल जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस याद करेंगे तो यहाँ पर मटेरियल की जगह लेबर लग जाएगा LCV, और अगर सेल्स वेरिएंस याद करें तो LSU। तो ये है इस प्रकार, और हेड वेरिएंस आपके ये कोर्स में नहीं है। तो और हेड वेरिएंस की भी हम जब गणना करेंगे तो विभिन्न आयामों को देख के करेंगे, तो इससे संबंधित प्रश्न भी आप आसानी से हल कर सकेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके यूनिट थर्ड में लास्ट चैप्टर के अंतर्गत एक प्रश्न इसमें आता ही आता है, जिससे आसानी से आप इन प्रश्नों का अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के वेरिएंस को किस प्रकार से कैलकुलेट करना होता है, तो उनका आप आसानी से इनको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जिससे चार वेरिएंस भी पूछेगा तो 5 नंबर का एक वेरिएंस के आधार पे आपके 20 नंबर के एग्ज़ाम में प्रश्न इसका आता ही आता है। तो इससे संबंधित प्रश्न आप जिससे आसानी से बिल्कुल सही तरीके से इनको सॉल्व भी कर सकते हो, जिससे आपके कोई भी समस्याएं नहीं आए, कोई भी दिक्कत नहीं आए, आसानी से इनको हम सॉल्व आप आसानी से सॉल्व भी इनको कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने मटेरियल वेरिएंस से संबंधित एक प्रश्न का अध्ययन किया, जिसमें सभी प्रकार के वेरिएंस थे, मटेरियल विक्स वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल विक्स वेरिएंस का किस प्रकार से वेरिफिकेशन हुआ उनका भी हमने अध्ययन किया। इसी क्रम में हम मटेरियल लेबर वेरिएंस की बात करें तो लेबर वेरिएंस जब हम ज्ञात करते हैं तो विभिन्न होर्स के आधार पर, विभिन्न घंटे के आधार पर उनको कैलकुलेट भी करते हैं कि उनका किस प्रकार से इनको किस प्रकार से कैलकुलेट करें। तो अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे लेबर वेरिएंस। श्रम विचरण
श्रम विचरण भी सामग्री विचरण से संबंधित ही है। इसमें मुख्यतः श्रम विचरण में सामग्री की हॉर्स के आधार पे, घंटे के आधार पे उनको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जिनको हम आसानी से क्रियान्वयन भी कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम लेबर कॉस्ट वेरिएंस की बात करें तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस भी इसी प्रकार से निकलता है, जैसे अपन स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी के आधार पे क्रियान्वयन करिए, लेबर कॉस्ट वेरिएंस याद कर लेंगे क्योंकि मटेरियल वेरिएंस से संबंधित ही हैं, बस थोड़ा सा इसमें से बस सुधार करना है। तो इनसे संबंधित प्रश्नों का हम आसानी से सही तरीके से क्रियान्वयन करेंगे, जिससे सभी प्रश्नों का आप सही तरीके से सही रूप से क्रियान्वयन कर सकें। तो इसी प्रकार लेबर वेरिएंस से संबंधित प्रश्न, उनसे संबंधित उदाहरण हम आपके लिए लेके आएंगे अगले वीडियो में। तो इस प्रकार से लेबर वेरिएंस से संबंधित प्रश्न और सेल्स वेरिएंस से संबंधित प्रश्न का हम इस अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए आएंगे, जिससे आप आसानी से इन प्रश्नों का समावेश कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लेबर वेरिएंस पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।